अफगानिस्तान भारत का खास दोस्त है। भारत ने अफगानिस्तान को बेटर बनाने के लिए हमेशा पूरा एफर्ट किया है और यही रीजन है कि अफगानिस्तान भारत को न सिर्फ सपोर्ट करता है बल्कि प्रेज भी करता है। अफगानिस्तान भारत में तेजी से हुए विमेन एम्पावरमेंट से बेहद प्रभावित है और अफगानिस्तान भी इंडिया की राह पर चला है। तभी तो बीते कुछ सालों में अफगानिस्तान में भी विमेन एम्पावरमेंट देखने को मिला है। पर अब तालिबान के कहर के बाद अफगानिस्तान की प्रोग्रेस व पब्लिक, खासकर की विमेन्स, डरी हुई और मायूस है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद देश छोड़ने वाली पॉप स्टार अरियाना सईद ने एक समाचार एजेंसी से बातचीत में पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई, तो वहीं भारत का शुक्रिया अदा किया है। अरियाना सईद ने कहा कि वो पूरे अफगानिस्तान की ओर से भारत का आभार व्यक्त करना चाहती हैं और धन्यवाद देना चाहती हैं। अरियाना ने कहा कि बीते कई वर्षों में उनको यह एहसास हो चुका है कि अगर पड़ोस में कोई अच्छा दोस्त है तो वो भारत है। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा हमारे साथ अच्छे से पेश आया है, वो हमारे सच्चे दोस्त हैं, वे बहुत मददगार हैं और भारत में जो हमारे लोग वहां पर रिफ्यूजी हैं उनके लिए दयालु हैं। भारत में रह चुके जिस भी अफगान शख्स से मैं मिली उन्होंने हमेशा भारतीय लोगों के लिए अच्छा ही कहा, हम सब आपके आभारी हैं। वहीं अरियाना सईद ने पाकिस्तान पर अपना गुस्सा निकालते हुए कहा कि तालिबान को पाकिस्तान द्वारा निर्देश दिया जा रहा है, उनके ठिकाने पाकिस्तान में है जहां उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। मैं चाहती हूं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी सबसे पहले पाकिस्तान को फंड देने पर रोक लगाए ताकि उसके पास तालिबान की मदद करने के लिए पैसा ही न बचे। अरियाना को अफगानी विमेन की चिंता सता रही है। पॉप स्टार अरियाना ने कहा कि अफगानिस्तान की महिलाएं और बच्चे वो डिजर्व नहीं करते हैं जो उनके साथ अभी हो रहा है। दुनिया को उनके बारे में सोचना चाहिए, उसे पाकिस्तान पर दबाव बनाना चाहिए क्योंकि उसी की वजह से अफगानिस्तान पर तालिबान का राज हुआ है। पाकिस्तान की वजह से अफगानिस्तान में ये हालात है। साथ ही अरियाना सईद ने कहा कि मैं राष्ट्रपति अशरफ गनी से काफी नाराज हूँ कि वो इस तरह देश छोड़कर भाग गए और कुछ तालिबानियों के हाथों में अपना मुल्क सौंप गए। आपको बता दें कि अरियाना सईद अफगानिस्तान की पॉप स्टार सिंगर हैं, जो पूरे देश में फेमस है। अरियाना सईद ने वन टीवी और टोलो नेटवर्क के लिए कई बार शोज किए हैं। 1985 में काबुल में पैदा हुई अरियाना सईद ने अपने करियर की शुरुआत 2008 में माशा अल्लाह से की थी। हालांकि उनके करियर को उड़ान 2011 में उनके गाने अफगान पेशरख के रिलीज के बाद मिली। बहरहाल भारत आज भी अफगानिस्तान की बेहतरी के लिए खड़ा है और एक दोस्त होने के नाते अफगानिस्तान की पूरी मदद भी कर रहा है।